मेकिंग मिस्टेक्स इज़ बेटर देन फेकिंग परफेक्शन। हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंटेंट लर्नर। दिस इज़ द 14th पार्ट ऑफ आवर होमोफोन सीरीज। सो लेट्स सी द पेयर ऑफ वर्ड फॉर टुडे। सो द पेयर ऑफ वर्ड फॉर टुडे इज़ HOARD, हॉर्ड, और दूसरा वर्ड है HORD, हर्ड। फर्स्ट वर्ड हॉर्ड का हिंदी में अर्थ होता है इकट्ठा करना, और इसके दूसरे वर्ड है HORDE, हर्ड, इसके लिए हिंदी में अर्थ होता है झुंड। तो चलिए अब सेंटेंसेस के माध्यम से इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड लिखा है HOARD, हर्ड। हर्ड का हिंदी में अर्थ होता है इकट्ठा करना। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, टू कलेक्ट, इसका भी मतलब होता है इकट्ठा करना। सेंटेंस लिखा है हॉर्डिंग मनी इज़ माइजर्स क्वालिटी, पैसा इकट्ठा करना कंजूस की निशानी होती है। तो इस सेंटेंस में जहाँ पे HOARD, हॉर्डिंग लिखा है, उसी का मतलब होता है कलेक्ट करना या इकट्ठा करना। सेकेंड वर्ड इज़ HORDE, हर्ड। हर्ड का हिंदी में अर्थ होता है भीड़, झुंड, या इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, क्राउड। सेंटेंस लिखा है अ हॉर्ड ऑफ ह्यूमंस अटैक्ड इंडिया। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से हमने देखा कि हॉर्ड और हर्ड में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।